छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 नवंबर 2022 से शुरू हुआ है, जिसमें बालोद जिले द्वारा राज्य में सबसे पहले धान का उठाव कार्य आज से शुरू किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर ने बताया कि आज कुंडरदेही विकासखंड के धान खरीदी केंद्र कल्याणपुर और बालोद विकासखंड के ग्राम सांखरा को से धान उठाव का कार्य प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 7 नवंबर 2022 को शाम 4 बजे तक कुल 16,524.12 में टन थाना धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले में स्थापित कुल 138 उपार्जन केंद्रों में से 137 उपार्जन केंद्रों धान खरीदी कार्य का प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि डोंडी लोहरा विकासखंड के मात्र एक धान खरीदी केंद्र करे गाँव में धान की कटाई नहीं होने के कारण किसानों के द्वारा उक्त केंद्र में धान क्रय हेतु टोकन प्राप्त नहीं किया है। धान उपार्जन केंद्रों से धान के त्वरित उठाव हेतु जिले के 46 राइस मिलरों का पंजीयन किया। दो राइस मिलरों को कुल 182,800 टन धान की अनुमति जारी की गई, जिसमें 22 राइस मिल के द्वारा 94,400 में टन धान का अनुबंध पूर्ण कर लिया गया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।